छह छक्कों को कभी नहीं भूल सकते, एक एक छक्का याद है मुझे। कुछ ही हफ्तों पहले मैं पंजाब गया था, पंजाब टीम के लिए ट्रायल दे रहा था, हर प्लेयर का स्पेशली T20 प्लेयर का तो ये ख्वाहिश होता है कि वो IPL में खेले। अमाउंट ज़रूर नहीं है, चाहे जितने भी, चाहे 1 लाख में हो, चाहे 10 लाख में, चाहे 1 करोड़ में, तो वो ज़रूर नहीं, ज़रूर है लेना और वहाँ पे खेलना, तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। जब मैंने 5 छक्के मारे तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि 6 छक्के भी मारूँ। उससे पहले मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस बॉलर को 6 छक्के मारूँ। दरअसल हम तो टारगेट को फॉलो कर रहे थे कि टारगेट तक पहुंच जाए। जब 5 छक्के मारे तो मैंने सोचा 6 छक्के जैसे भी वो मारना पड़ेगा। और मैंने वो बॉलर को कहा, उसने भी कहा ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में होता है, और कभी बॉलर को ट्राई करता है बैट्समैन को आउट करे, और बैट्समैन जो T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है ट्राई करता है कि हर बॉल को 6 मारे। तो शॉर्ट फॉर्मेट था, T20 फॉर्मेट था, और वो उस टीम ने हमको बड़ा टारगेट दिया था, तो हम बस टारगेट को फॉलो कर रहे थे। आपने उस टूर्नामेंट में APL में आपने 44 बॉल्स 100 भी मारा, तो कौन सा ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, वो 6 छक्के या वो 100? नहीं, दरअसल वो 100 जो था वो बहुत अच्छा था, 6 छक्के भी अच्छा था, क्योंकि मैंने 12 बॉल भी 50 भी मारी थी, वो भी रिकॉर्ड में था, तो मैंने जो अपना इन्जॉय किया वो 100 से किया। राशिद से बात करता हूँ कि चांस है IPL में या नहीं है, वो बोलते हैं चांस है, 80% 90% चांस है आपको IPL में। उसने बोला जब अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़रूरी है, तो वही वजह है जब से आया हूँ क्रिकेट में अपने आप पर भरोसा रखता हूँ, तो वो मुझे बहुत एनर्जी देता है।